विकलांग समाज सेवा समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक अंबेडकर पार्क सिविल लाइन में आयोजित की गई। बैठक में विकलांगों से हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर चर्चा की गई। विकलांगों की मांग को उठाया गया। विकलांग समाज सेवा समिति के अध्यक्ष वेद प्रकाश सागर ने बताया कि कुछ माह पहले विकलांगों को गुलशन सिलाई केंद्र में कार्य सिखाया गया था, लेकिन उसका कोई भी प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया और विकलांगों के नाम पर सरकार से लाखों रुपए की सब्सिडी भी प्राप्त कर ली। इस मौके पर रामकृष्ण वशिष्ठ, वेद प्रकाश सागर, लहिक अहमद, अजीत सिंह, अमर सिंह कश्यप, अमर सिंह पाल, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद शाहिद अली आदि लोग मौजूद थे। आज हमारी विकलांग सेवा समिति की ओर से एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि दिव्यांगों के ऊपर उत्पीड़न किए जा रहे हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। जैसे कि हमारे दिव्यांगों ने वर्ष 17 में 2017 जनवरी 2017 में गुलशन सिलाई सेंटर में जो है 120 विकलांगों ने ट्रेनिंग सेंटर पे डिप्लोमा के लिए आवेदन किया था और जिसका कोर्स 3 महीने का था। कोर्स खत्म होने के बाद भी आज तक 1.5 साल हो गया, तो इस दिव्यांगों को ना तो प्रमाण पत्र मिले हैं, ना उनकी सहायता राशि जो स्कॉलरशिप के रूप में होती है वो भी मिली है, जिससे कि हमें बहुत निराशा है और इसकी शिकायत के लिए हमने आज बैठक बुलाई है, जिसके लिए PM नरेंद्र मोदी जी को इसकी शिकायत PM साहब द्वारा भेजेंगे।